इस एलिमेंट वॉल मिक्सर की हमारी फुल तरीके से फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमने यहाँ पे एक शावर को भी इंस्टॉल कर दिया है और ऊपर आपको यहाँ पे दो पॉइंट नजर आ रहे होंगे, दोनों में हमने इंगल वॉल लगाए हैं। ये दोनों गीजर के पॉइंट है, हमने इन दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिया है ताकि यहाँ पे एलिमेंट वॉल मिक्सर हमारा फुल तरीके से काम कर सके। चलिए एक बार इस एलिमेंट वॉल मिक्सर को हम आपको यूज करके दिखाते हैं। अगर आपको इसकी स्पॉट को यूज करना है, बीच वाले हैंडल को आपको लिफ्ट की तरफ करना होगा और इस हैंडल को आपको ऑपरेट करना है, तो यहाँ पे आप ये कोल्ड वाटर यूज कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ पे हॉट वाटर यूज करना है, बीच वाले हैंडल को इधर ही रखना है और इस हैंडल को आपको यहाँ पे ऑपरेट करना है। आप यहाँ पे हॉट वाटर यूज कर पाएंगे। आप इसका प्रेशर भी देख सकते हैं, बहुत फास्ट आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप इसी तरीके से शावर यूज करना चाहते हैं तो आपको इसके हैंडल को, ये ऑफ हो गया, यहाँ पे राइट में करना होगा। राइट में करने के बाद जिस तरीके से हॉट और कोल्ड स्पॉट में यूज कर रहे थे उसी तरीके से आपको यहाँ पे इसके हैंडल को ऑपरेट करना है। यानी कि अगर आप कोल्ड वाटर यूज करना चाहते हैं, आपके यहाँ पे स्पॉट बन रहेगा और यहाँ पे देखिए शावर चालू हो चुका है। अगर आप मिक्स यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दोनों को बराबर से ऑपरेट करना होगा, तो आप यहाँ पे हॉट और कोल्ड दोनों मिक्स यूज कर पाएंगे। अगर आप शावर को ऑफ करना चाहते हैं, स्पॉट को ऑन करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ खाली इसके हैंडल को ये यहाँ पे ऑपरेट कर देना है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे आपका ये शावर क्लोज हो गया है और ये आपका स्पॉट ओपन हो चुकी है। आपको इस एलिमेंट वॉल मिक्सर के बराबर में एक पॉइंट नजर आ रहा होगा, इस पॉइंट को हमने बंद कर दिया है। ये डायरेक्ट सबमर्सिबल पंप का था, यहाँ पे कोई यूज नहीं था तो इसे अभी बंद कर दिया गया है, फ्यूचर में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।